जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी एक दोहा में लिखते हैं, जो संपत्ति शिवराव नहीं दिन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सब कुछ दिन रखना। जो संपत्ति शिव जी ने रावण को दिया दस माथ काट करके देने से, दस सिर काट करके अर्पण किया नमः शिवाय कहकर, तब उन्होंने लंका का राज दिया। और वही संपत्ति भगवान ने विभीषण जी को दे दिया केवल मस्तक झुकाने से। तो ये अंतर है देवताओं में और भगवान में। बहुत अंतर है। और संपत्ति तो दिया शिव जी ने, रक्षा नहीं किया। जब भगवान मारने आए लंका के मैदान में रावण को, तो उस समय शिव जी भी देखने आए थे युद्ध पार्वती जी के साथ। जब रावण को मारने के लिए एकदम तैयार हुए, भगवान ने अपना बाण अनुसंधान किया, 31 बाण। उस समय माता पार्वती ने कहा, सुनते हैं आपका भक्त आपको पुकार रहा है रावण। तो भगवान शिव कहते हैं, मरने दो, तो अब तक क्यों बचाए थे? भगवान शिव ने कहा कि अब तक बचाया था इसलिए कि असली मारने वाला आया नहीं था, अब मैं नहीं बचा सकता, तो मार दिया गया रावण। और शिव जी युद्ध देखते रहे, तमाशा देख रहे थे। यद्यपि उनका विमान बहुत बूढ़े बैल के रूप में था, लेकिन फिर भी वे देख रहे थे विमान पर से रावण का युद्ध। और भक्त मारा गया पर उन्होंने बचाया नहीं। देवता देते हैं लेकिन बहुत थोड़ा देते हैं, और शुद्ध बुद्धि नहीं देते हैं। रावण को भगवान शिव ने धन दिया लेकिन उसको बुद्धि नहीं था, वो बहुत बड़ा कामी था, गुंडा था, संसार की अनेक स्त्रियों को लाया था अपने यहाँ लंका में। उसी भावना से वो सीता जी को भी लाया था और मारा गया। कभी कभी लोग कहते हैं रावण बड़ा विद्वान था, अरे वो कुछ नहीं था, सबसे बड़ा निकृष्ट व्यक्ति था, ब्राह्मण था लेकिन बहुत बड़ा दुराचारी गुंडा था, भगवान ने उसको मारा, इसलिए आज भी उसको मारा जाता है। दशहरा के दिन प्रायः रावण को पुतला बना, रावण का पुतला बना बना करके लोग मारते हैं उसे। हमने वृंदावन में देखा है, रावण जल रहा है, जलते हुए रावण को एक व्यक्ति गोली मारा,